काम रहने लाया देसी पुदीना, अभी पक चुका है, ये अभी घर में लेके जाऊंगा, फिर लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट्स मेरे। मैंने पूतना ले आया हूँ जार समेत, पहले भी मेरे पास पूतना लगा हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास पहले का पूतना लगा हुआ है, ये पहाड़ी पूतना है, इसकी ग्रोथ भी काफी रुकी हुई है। ये पहाड़ी पूतना है जो मैं लेके आया हूँ, ये देसी पूतना है, आप देख सके कितना बड़ा है। तो इसको मैं यहाँ से काट लूंगा, सिर्फ इसकी जड़ लगाऊंगा, बाकी जो है मैं फ्रीजर में रख लूंगा, तो उसकी चटनी बनाते रहेंगे घर वाले। उसके अलावा मैंने मिर्ची लगाई हुई है, ये आप देखिए, इसमें शिमला मिर्च भी है, शिमला मिर्च, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये शिमला मिर्च लगी हुई है। इसमें मैं लंबी मिर्च के 5 पौधे और बाकी इसमें शिमला मिर्च में, घर वाले जैसे तैयार होती है घर वाले उतार लेते हैं, ये अभी तो नहीं लगी, आए तो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये पूछना है इसको दराटी के साथ जो है ना, मैं काट ले यहां से, ये मेरे पास जड़ आ गई है, ये लगाने वाली हो, ये तो बाकी जो मैंने काटा हुआ है ना वो मैं कर लेता हूँ, ये मैं डाल देता हूँ, दो हफ्ते तक जो है ना चलता रहेगा, घर में चटनी बनाते रहेंगे। जगह पसंद है जेड़े लगाने के लिए अलग कर लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ,
तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैंने लगा लिया पुदना इस हिस्से में, तो तकरीबन एक हफ्ते तक जो है ना ये ग्रो कर लेगा। ये देसी पुदना है, उस साइड मैंने आपको जो पहले बताया था वो पहाड़ी पुदना है, और ये इसके मिडल में जो है दरमियान में इसकी लगी हुई है शिमला मिर्च। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।